हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ गाड़ी शाड़ी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे आगे कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, तो ये पेपर्स क्या हैं? चलो एक एक करके उठाते हैं। पहले तो वो करते हैं हम फाइल, इसे खोलते हैं। ये है हमारा टोयोटा का कार्स का टेम्पलेट टाइप लगा रहा है। ग्लैंजा के बारे में, न्यू ग्लैंजा, तो हमें इसका बेस मॉडल कितने में मिलता है? लेट्स सी, एसटी, और ये हमें मिलता है 9 लाख रुपए का ऑन रोड। ठीक है, ये हाँ तो बात हुई ग्लैंजा के बारे में। ये हम बातें कर रहे हैं हमारे गाड़ियों के बारे में जो कि 10 लाख के नीचे आती है। तो ये फर्स्ट हमने टोयोटा की देखी ग्लैंजा, जो कि आपको मारुति सुजुकी ब्रांड के नाम से मिलती है। फिर हम देखते हैं ये आप देख रहे हैं, ये है हुंडई का, जैसे आप देख रहे हैं ग्रैंड अल्टेनियस। ये आपको दिख रहा है कि इसका बेस मॉडल आता है हमारा, और ये सीएनजी वाला वेरियंट है। हाँ, ये सीएनजी वाला वेरियंट है 9 लाख रुपये का। और इसके अलावा आप देख सकते हैं प्राइस, आपको ये आपका 6 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और हम मॉडल चलते हैं ओरा, ओरा पी एस। ओरा का हमारा स्टार्टिंग सीएनजी से है 9 लाख के अराउंड, यही भी आप देख रहे हो। और भी इसके अंदर और वेरियंट्स भी है, एज यू कैन सी। हम उसमें उसके बाद हम चलते हैं वरना, वरना के आज के टाइम पे वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, साल साल की वेटिंग दे रहे हैं। पर फिर भी अगर हम देखें तो इसका बेस मॉडल हमारा पड़ता है कितने का पड़ता है वेरियंट में? अराउंड 12 लैक्स के पड़ता है ये हमारा पेट्रोल के अंदर। और डीजल के अंदर हमारा पड़ता है, ये डीजल के अंदर 13 का पड़ता है एक्सैक्ट। तो जिस डीलरशिप में तो वहाँ नहीं मिल रही थी, और ये इशूस वहाँ भी नहीं मिल रही थी, जो भी कंडीशन है। और हम देखे थे सेंट्रो भी डिसकंटिन्यू हुई है, तो हमारी न्यू वैन नहीं मिल रही थी। न्यू वैन के आप प्राइस देख सकते हैं, क्या प्राइस उसके लोग ट्रैक्टर मिल रही थी। मेरे ट्रैक्टर सही हुई है, मेरी भरने वाले रेटर्स के भरने वाला इंजन से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी वीडियो देखते हैं। हमारे मारुति सुजुकी तरफ इसका मन मांग लाया था, इसका हमें बेस मॉडल नहीं सीएनजी वेरिएंट का मन मनवाया था, जो वैली फॉर मनी कार्स थी मैं वो देखी थी। तो इसका हमारे ये सारी चीज़ें मिल रही थी, आर सी वारसी सारी चीज़ जोड़ जाड़ के, ये पड़ती थी 7 लाख, 7.5-8, मतलब 76 की जगह आप देख रहे हो, उन्होंने इतनी ही पड़ रही थी। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी डिटेल छुपा लेता हूँ थोड़ी सी। और इसके अलावा हमारी स्विफ्ट पड़ रही थी सीएनजी के अंदर 9 लाख के अराउंड, और हमारी ऑल्टो पड़ रही थी ये हमारी लगा लो 57 की। उसके बाद ये नंबर वगैरह अगर आपको भी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, मारुति सुजुकी की। और ये वेरिएंट वगैरह जो आप देख रहे हो। उसके अलावा मैं टाटा मोटर्स पे भी गया था, उसकी मैं क्लिप्स वगैरह लगा दूँगा वीडियो के अंदर। टाटा मोटर्स पे आपको टियागो थी शायद, हाँ टियागो थी, वो भी 5-6 के अराउंड थी। उसके अलावा मारुति सुजुकी अरीना पे तो ये आपको देख लिया, और नेक्सा पे आपको सबसे सस्ती मिल रही थी, वो सीएनजी में नहीं थी, वो थी आपकी पेट्रोल वर्जन में। इट वाज अराउंड, मेरे को रेट भी याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताता हूँ आपको, आप ऑनलाइन भी इनके रेट्स चेक कर सकते हैं सीनरी थे। तो गाइस, ये था हमारा एक्सपीरियंस कुछ वैल्यू फॉर मनी कार्स ढूंढने की खोज में, जिसमें कि हमने 4-5 शोरूम्स को विजिट किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इससे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। और ये रेट जो थे ये सितंबर के महीने के थे सिर्फ 2022 के, ये अप एंड डाउन होंगे, जनवरी के आसपास आपके रेट बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको बाय करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने नंबर वगैरह सब आपको दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में हो सका तो मैं इनके लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू वट एवर यू लव, सी इन द नेक्स्ट वन।